and Ganpati Bappa Moria. सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। Hey, what's up people? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing fine. आज जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो बाहर से हो रही है। बाहर हम लोग चाय पी रहे हैं। होटल से मैंने ब्रेकफास्ट किया था आज। वैसे तो मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ। मैंने फ्रूट्स खाए थे होटल में और अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम मस्त जगह नाथद्वारा, जो उदयपुर से 46 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे शिव जी का एक बड़ा सा स्टैचू है जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ बिलीफ बोला जाता है उसको, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम गोइंग देयर, पहली बार जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। और ये रहे हमारे बंटी भैया और ये हरीश भैया। अभी इतनी गर्मी है कि हम यहाँ पे रुक गए और गन्ने का जूस पी रहे हैं वहाँ पे, गन्ने के जूस। अभी जूस पी के हम लोग निकले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ नाथद्वारा। और अभी कितना और टाइम लगेगा? अभी हमको 20 मिनट और लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। तो ये देखिए वो शिव जी का जो मूर्ति है वहाँ पर है, महादेव जी का मूर्ति। हम लोग अभी 6 किलोमीटर दूर है वहाँ से, फिर भी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो अभी मैं स्टैचू ऑफ बिलीफ के बाहर खड़ा हूँ। ये देखिए ये है एंट्रेंस यहाँ से, एंड यहाँ का टिकट है 200 रुपये अगर आपको जो शिव भगवान का मूर्ति है बड़ा सा उसके बाहर जाना है तो, अगर थोड़ा ऊपर जाना है तो 400, उसके बाद 700, और ऊपर जाके एकदम आपको अभिषेक करना है तो 1700। फिर भी मैं कुछ के कॉस्टिंग है जो चार्ट है वो डाल देता हूँ स्क्रीन पे, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। और ये है हमारे बजरंग बली जी यहाँ पे सामने। क्या तो इतनी लंबी रोड है, आप वॉक करके भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पे बगी सर्विसेज अवेलेबल है तो आप बगी सर्विसेज भी ले सकते हैं, इट्स अ पेड सर्विस। एंड ये है तत्पदम उपवन, उपवन मींस गार्डन। तो यहाँ पे एंट्री है और ये शिव जी का लिंग यहाँ पर। जय हो शंकरा, शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। तो भी स्टैचू ऑफ बिलीफ का जो हमारा विजिट है वो यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं, वो खत्म होता है अभी यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग जाते हैं 1-2 किलोमीटर दूर जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो कृष्ण भगवान का मंदिर है, जहाँ पे मुकेश अंबानी जी आते हैं क्योंकि वो उनके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं। वहाँ पे वो रेगुलरली आते हैं, हर साल में 1-2 बार तो आते ही हैं। तो अभी मैं हम लोग वहाँ पे चलते हैं, अगर वो मंदिर खुला होगा तो वहाँ पे दर्शन लेके एंड देन विल मूव फ्रॉम देयर। अभी यहाँ से एग्जिट है तो अभी हम लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारे बंटी भैया खड़े हैं। बंटी भैया के साथ जाएंगे वो मंदिर, उन्होंने हमको बताया, हमको तो पता नहीं था कि अंबानी जी यहाँ पे आते कि नहीं आते, बट एज दे आर लोकल सो दे नो बेटर देन अस, हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर आप लोग को आना है, अगर इस सीजन में आते क्योंकि गर्मी बहुत है, तो दोपहर में मत आइए हमारे जैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर आपको आना है तो शाम में आइए या फिर सुबह आइए। Eventually
तो ये रहिए श्रीनाथ जी मंदिर जाने का रास्ता यहाँ पे सीधे, और यहाँ पे शादी भी हो रही है। अच्छा सॉरी, शादी नहीं है, ये भगवान जी को लेके जा रहे हैं वो हाथ में, वहाँ पे दूर से लगा कि मुझे शादी हो रही है। जय कृष्ण भगवान जी। तो अभी जो हम लोग आए हैं श्रीनाथ जी टेम्पल, वो कृष्ण भगवान का टेम्पल है, जो हम लोग अभी शंकर भगवान जी के यहाँ से आए हैं, जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो गेट है यहाँ पे जाने का अंदर, और अंदर जाके मंदिर है, काफ़ी लाइन था इसलिए मैं अंदर नहीं गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से उदयपुर की तरफ। तो ये पीछे आप देख सकते हैं पूरा ये मार्केट है यहाँ पे, तो जो भी चीज़ें आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी प्रसाद के दुकान, एंटीक कलेक्शंस के दुकान काफ़ी सारे हैं। तो अभी हमारा तो हो गया, अभी मेरे को थोड़ी सी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ थकान थकान, तो इन फास्ट हम लोग जो भी खा सकते हैं फ्रूट्स या फिर मिठाइयाँ जो दूध से बनी होती है, मैं चेक करता हूँ अगर कुछ मिलता है तो वो खा के पानी पी लेता हूँ, क्योंकि पूरा ड्रेन आउट हो गया हूँ मैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं उदयपुर की तरफ। तो अभी हमको एक मिठाई का शॉप मिला है और ये सब हम टेस्ट कर रहे हैं, यहीं अंकल है जो हमको टेस्ट करवा रहे हैं। क्या क्या है अंकल ये? आपको कलागन। कलागन, और बाकी के सब आपने क्या बताया? स्पेशल हीरा मणि। हाँ, क्या क्या है, कहाँ पे है वो सब? अच्छा, ओके। 12 o'clock midnight. So after coming from that all temple, आते ही मेरा सर दुख रहा था और मैं सो गया, and I did not end the vlog. So here I end the vlog. I hope you enjoy this vlog. I wish you all a healthy, wealthy and a prosperous day. Dream big, live bigger and make it large. You guys take care and I'll see you in the next vlog.